हम कई दफा छोटी उम्र में बड़े बड़े मसाइल का शिकार हो जाते हैं। छोटी उम्र में अमूमी तौर पे इस चीज़ का फहम, इस चीज़ का इदराक, इस चीज़ का पता भी नहीं होता कि हम प्रॉब्लम में हैं। और क्योंकि हमें पता नहीं होता, तो जो भी हम कर रहे होते हैं, हम समझते हैं कि यही तो दुरुस्त है। पेरेंट्स के लिए ये बात जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारा बच्चा जैसे बिहेव कर रहा है, उसमें हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये उनके लिए जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जैसा भी है और जिस तरह से वो कर रहा है, उसका जो अच्छापन है, उसकी जो खूबसूरत शक्ल है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं, उनका क्रेडिट हमें जाता है। ये तो सब मानने को तैयार है, इजी। ये जो कुछ भी अच्छा वो कर रहा है, इसका क्रेडिट हमें जाता है। हमारे जीन्स हैं, हमारी जेनेटिक्स हैं, हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है, हमारा फ्यूचर है, हमारी हम इससे जुड़े हुए हैं, ये हमारी लेगेसी है। ये सब जानना बहुत आसान है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी फसल हो, बाग हो, खूबसूरत हो, फलों से लदा हो और उसको कोई सुंडियां ना पड़े। इसके लिए उनको और उनकी औलाद को जन्नत में रहना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ये जो इसमें इतनी अच्छाइयां हैं, तरह तरह की खूबियां हैं, जिसकी वजह से हम इसके साथ प्यार के रिश्ते में बंधे हुए हैं, हमारी औलाद है, जीन्स हैं और तरबियत भी हमने इसकी की है। मगर वो कहते हैं हमने तो बहुत अच्छी तरबियत की है, हमने तो इसकी तरबियत की बहुत अच्छी है। जब उन्होंने तरबियत भी अच्छी की है, जीन्स भी उनके बेहतरीन हैं, तो ये बच्चा आपको नाकों चने क्यों चबवा रहा है? तो जो बच्चा हमें टफ टाइम दे रहा है, जो बच्चा हमें टफ टाइम दे रहा है, तो उसका फिर क्या करें? उसका इलाज करें? वो मानने को तैयार नहीं है कि उसका इलाज करवाया जाए। पहली बात तो ये है, वो कहता है कि जिस जगह पे मेरा इलाज होता है ना, और जो लोग मेरा इलाज कराना चाहते हैं, उनको इलाज की जरूरत है, वो अपना इलाज खुद कराएं। और जो मेरा इलाज करने वाले हैं, वो सब असल में खलूस नहीं रखते, उनकी नीयत में खोट है। वो खलूस नीयत वाले लोग नहीं हैं, वो खोटी नीयत के लोग हैं। वो पैसे बटोरना चाहते हैं, वो मुझे यहाँ पे रखना चाहते हैं, और जो उनका इलाज का तरीकाकार है, वो ही गलत है। बीमार कह रहा है कि इलाज मेरा ना कराएं, अपना कराएं। जो उसके इलाज में उसकी मददगार हैं, वो उनको बता रहा है कि आपका तजुर्बा नहीं चाहिए मुझे, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, मुझे आपके पैसे चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे आपकी यस चाहिए, मगर मुझे आपकी ये जो बातें आप मुझे बताते ना कि इस तरह से करो और इस तरह से करो, खबरदार ये नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसी बातें की तो मैं आपकी
ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं अपने वालिद के साथ बदतमीजी करूंगा, मैं अपनी वालिदा के साथ बदतमीजी करूंगा, मैं बहन भाइयों का अगर हाथ पांव मरोड़ सका तो मरोड़ूंगा, मैं हर वो हथकंडा इस्तेमाल करूंगा जिससे आप समझते हैं कि ये गलत है और मैं समझ रहा हूं कि ये होना चाहिए। ये मरीज है, इसको ज़हनी मसला है और वो कह रहा है कि मुझे ज़हनी मसला नहीं है। वो इसलिए कह रहा है कि मुझे ज़हनी मसला नहीं है क्योंकि वो बीमार है, वो ज़हनी बीमार है। ये डबल जैपर्डी है, डबल जैपर्डी। जैपर्डी का मतलब होता है कि कोई ऐसा मसला है जिसको करें तब भी खराबी, ना करें तब भी खराबी। सो इसका मतलब ये है कि हमें फिर ये बचपन से पेरेंटल गाइडेंस में, पेरेंटिंग में ये बताने की ज़रूरत है अपने बच्चे को कि ये जो हम आपके लिए कर रहे हैं इट्स नॉट फ्री, इट्स नॉट विदाउट, ए पार्ट ऑफ डील इज गोइंग टू बी व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर अस। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बच्चे तो हमारे हैं, फरीद साहब कह रहे थे कि बच्चों की मुख्तलिफ होते हैं तरह से, वो इसलिए भी होते हैं कि उनमें जेनेटिक्स क्या होती हैं। हर दफ़ा जब आप कार्ड्स, कभी किसी ने कार्ड्स खेले, जब भी हम कार्ड शफल करते हैं और फिर बांटते हैं तो हर दफ़ा एक जैसे पत्ते थोड़ी पड़ते हैं, हर दफ़ा पत्ते बदल जाते हैं, होते 52 में से ही हैं वो टोटल उतने में, मगर कभी कोई आपको हैंड आ जाता है, कभी कोई और हैंड। सिमिलर इज़ द केस विद व्हेनेवर ए चाइल्ड इज़ बॉर्न टू अ फैमिली, टू पेरेंट्स, जो भी वालिदैन का बच्चा पैदा होता है उसके थोड़े 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 जीन्स में डिफरेंस आ जाता है। टोटल पूल ऑफ जीन्स वही होंगे जो ओपरेंट जीन्स हैं, जो मैनिफेस्ट होंगे, जो कुछ डॉर्मेंट रह जाएंगे, कुछ खामोश रहेंगे, साइलेंट, और कुछ जो हैं वो ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, डोमिनेंट, कुछ डोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, कुछ डोमिनेंट होंगे डोमिनेट करेंगे, कुछ रिसेसिव होंगे, ये बदलता है। वन, नंबर टू, जीन्स बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है बड़ी, जीन्स बजाते खुद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट इज़ द एनवायरनमेंट which is given to those genes that produce the real results. The actual and real results are produced by the interaction of the genes and the environment, and that is the field that we are right now working on, and it is on the threshold of scientific innovation. Genes bazate khud maurusiyat virasat, जीन्स, डीएनए, उसमें कौन से पत्ते पड़े, कौन से जीन्स काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये अपनी जगह एक बुनियादी ढांचा खड़ा हो गया, मगर उस ढांचे के ऊपर क्या असेंबली होगी, असेंबली लाइन पे असेंबल क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके माहौल से, माहौलियात से। माहौल इस चीज़ को डिटरमिन करेगा कि ये जो एक फ्रेमवर्क है, ये जो एक ढांचा है, इससे नताएज आउटकम क्या निकलेगी। माहौल, दैट इज कॉल्ड एपी जेनेटिक्स, ईपीआई जेनेटिक्स। तो आपने ये समझा कि माहौल का कितना गहरा असर है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसकी पैदाइश पे माँ बाप की
ذہن، خیالات، ماحول، ان کی اکنامکس، معاشیات، پیسے، ان کا زندگی کے متعلق سوچ، ان کے بلیفس، فرق ہوتے ہیں. تو ہر بچے پہ جو ان کا عکس پڑتا ہے، ان کی پرورش میں جس چیزوں کو وہ زیادہ اہم سمجھتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے اس بچے پہ، اور اس سے اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی بلیفس. کردار مطلب اس کے اندر کیا ویلیو سسٹم ہے، کردار مطلب اس کے اندر کیا ویلیو سسٹم ہے، وہ کن چیزوں کو صحیح اور کن چیزوں کو غلط سمجھتا ہے. اور شخصیت جو اس کی ظاہری پرسنالٹی نظر آتی ہے. کوئی بچے بڑے، ماں باپ کو تو اپنے سارے بچے اچھے لگتے ہیں، مگر کوئی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، کوئی ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں وہ دل موہ لیتے ہیں. یہ پرسنالٹی ہے، دس از پرسنالٹی، دیٹ از دی آؤٹ ورڈ ڈپکشن. ایڈکشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جینیٹکس اور انوائرمنٹ کا رول ہے، یہ میں نے بتائی ہے. اب آ جاتا ہے کہ آپ نے پھر یہ کہنا ہے کہ کیونکہ میرے جینز ایسے تھے، میری انوائرمنٹ ایسی تھی، اس لیے میں اپنے اس جو بھی میں میرے سے ہو رہا ہے اس کے لیے میں مجھے بلیم نہ کریں، آئی ایم ناٹ آنسریبل فار دس. تو جو شخص آنسریبل نہیں ہے تو وہ درست کیسے ہوگا؟ اگر انوائرمنٹ نے اس کو ویسا بنا دیا، تو جب ہم اس کی انوائرمنٹ بدلیں گے تو یہی تو پریمس ہے، یہی تو ہمارے پاس ایک حل ہے کہ اگر اس کی انوائرمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے برے جینز کو بھی اس نے ٹریگر کر دیا، تو کیا وہ انوائرمنٹ اس کے برے جینز کو چپ کرا کے جو اس کے اندر اچھے جینز پڑے ہیں ان کو مینیفیسٹ نہیں کرا سکتی؟ یہی تو ایپی جینیٹکس ہے. کسی شخص کی قوت مدافعت، ریزسٹنس ٹو بیکٹیریل اینڈ وائرل انفیکشنز ویک ہے، تو کیا وہ ڈومڈ ہو گیا کہ اب اس کی ہمیشہ ہی ریزسٹنس، اس کی قوت مدافعت، مزاحمت بن ہی نہیں سکتی؟ جو جراثیم آئے گا اس کے اوپر حملہ آور ہو کے اس کو فنا کر دے گا یا بیمار کر دے گا. کچھ لوگوں کی پری ڈسپوزیشن تو ہوتی ہے، یعنی ان میں خرابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، مگر وہ ان کو کوئی ڈیتھ وارنٹ نہیں آ گیا، ان کو کوئی ڈیتھ سینٹنس نہیں ہوگی کہ اب تم کبھی بھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. ان کو جب ایک کنڈیوسیو، ایک بہترین انوائرمنٹ دی جاتی ہے تو ان کے پاس چانسز آ جاتے ہیں کہ وہ اپنا آپٹیمم پوٹینشیل ریئلائز کر سکیں. اب وہ کس کا کتنا آپٹیمم پوٹینشیل ہے ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. بہت سے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے کون سے 100 ڈیز فالو اپ کرنا ہے، وہ تو کسی اور کے لیے ہوتا ہے، میں ذرا وکھری ٹائپ کا ایڈکٹ ہوں، میری ایڈکشنز اور طرح کی ہیں، میری زندگی کی ضروریات اور میری ذمہ داریاں بھی اور طرح کی ہیں، اور بیماری کا میرے ساتھ مک مکا ہوا ہوا ہے، وہ مجھے ذرا اور طرح سے ڈیل کرے گی، وہ میرا لحاظ کرے گی. نہیں، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں باتیں.
वो समझते हैं कि मैंने 100 डेज फॉलो अप नहीं करना. करते हैं लोग, करते हैं, मैंने नहीं करना, मेरी जरूरत भी नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता, मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मेरे मसाइल भी इतने हैं वो मुझे इजाज़त नहीं देते, इसलिए मैं अगर नहीं भी करूँगा, मेरे दंड भी ज़रा ज़्यादा हैं बड़े, तो अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. और बीमारी जो है उसने मुझसे कहा भी है कि सर जी तुसी फिक्र ना करो, बस मैं तेरे नाल, नो प्रॉब्लम. ऐसे लोगों के जहनों में है बात. और मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपने खुद फरमाया है कि बीमारी को नहीं पता ये बात. बीमारी उस पे वार करती है जो उस वक्त विजिलेंट नहीं होता, जो उस वक्त चौकन्ना नहीं होता. अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है. तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके. और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठो. गेट आउट. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए. रिस्क टेकिंग बिहेवियर बड़ी उम्र में ज्यादा होने चाहिए या छोटी उम्र में ज्यादा होने चाहिए? क्योंकि इम्पल्स कंट्रोल वीक होता है, तो एज बढ़ती हुई के साथ इम्पल्स कंट्रोल हमारा कुछ बेहतर होना चाहिए. तो बड़ी उम्र में अगर किसी का इम्पल्स कंट्रोल, जो कि एक एग्जीक्यूटिव स्किल है, अभी भी अगर वीक है, और वो एक एग्जीक्यूटिव भी है लाइफ में, वो एग्जीक्यूटिव भी है, मगर उसका ये जो एक हिस्सा है ये कमज़ोर है, यानी इम्पल्स का. जब उस पर स्ट्रेस आता है, लोगों पे स्ट्रेस आता है, जब किसी पे स्ट्रेस आता है और उसके पास स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स, ये बात समझते हैं आप? स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म, ये लफ्ज़ समझते हैं आप? दबाव, ज़हनी दबाव से निपटने के तरीके. अगर उसके पास ज़हनी दबाव, जो अच्छा, एक ही चीज़ जो किसी शख्स के ऊपर ज़हनी दबाव ला सकती है, हो सकता है दूसरे को वो कोई ज़हनी दबाव ना दे. ये क्या फ़र्क है? अपनी किसी की स्ट्रेस टॉलरेंस है, यानी हो सकता है कि किसी ने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके ही ना समझे हों. वही काम जो आप साइकिल चलाना, पहली दफ़ा जब कोई साइकिल पे दो जिसके पहिए होते हैं, जिसकी कोई वो साथ में वो नहीं लगे होते सपोर्टिंग टायर्स, तो कुछ मुश्किल होती है, मगर जब वो सीख जाता है तो इट्स अ पीस ऑफ केक. इसी तरह से कार चलाना अमूमी तौर पे शुरू में मुश्किल लगता है, जस्ट अ सेकंड. तो जब हम कार चलाना सीख लेते हैं तो वी आर डूइंग ऑल अदर थिंग्स एंड इफेक्टिवली ड्राइविंग. स्ट्रेस कई लोगों का इंटरनल इतना ज़्यादा होता है, अंदर उनके हर वक्त एक अचमी लगी होती है, तकलीफ उनको होती है अंदर से. इनसाइड दे आर नॉट हैप्पी, इनसाइड दे आर एंग्शियस, एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू ट्रिगर देयर stresses to just say ha, and their stresses, you know, just they jump like a cat. That is an internal problem. Or some people are so well adapted, wo itne achhi adaptation hai unki ki aap bade se bada masla bhi unke paas leke chale jaye
तो वो कहेंगे काका पानी पी, एक पानी का ग्लास मैनू पिया, लेट्स सॉर्ट इट आउट, नॉट अ प्रॉब्लम, ये मसला हल कर सकते हैं। और अगर आज ना भी हुआ तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, हम अगली नशिस्त में कर लेंगे। सो स्ट्रेस जो है मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ है, और वो हम लर्न कर सकते हैं कि अपना स्ट्रेस मैनेज कैसे बेहतर कर लें। मगर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक प्रॉपर कोई निज़ाम हयात हो, कोई हमारा मुनज़्ज़म तर्ज़े ज़िंदगी हो। ये नहीं हो सकता कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त शख्स जो है वो लगातार 3 रातों को ना सोए और कहे कि मैं अपनी बेस्ट फैकल्टीज़, मेंटल फैकल्टीज से आपको बेहतरीन मशवरे दे दूँगा। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर कोई अपनी रूटीन्स को नहीं ना सही रखता और वो तवक्को करता है कि मैं मामलात को ठीक कर लूँगा, तो बहुत बड़ी भूल में है। अगर किसी को कोई मेंटल आर्जा नहीं है और फिर भी वो अपनी रूटीन्स को ख़राब रखता है, बल्कि वो को बहुत ही डिपेंडेबल अक्लमंद आदमी है और अपनी रूटीन्स को सही नहीं रखता, तो यकीन करें कि उसके डिसीजन मेकिंग में उसके नतायज जो वो देगा वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी मशीन्स जो हैं जिनसे आपने प्रोडक्शन लेनी है, अगर वही सही हालत में नहीं है तो आप प्रोडक्शन क्या लेंगे उनसे। तो इंसानों को बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए ज़रूरी है कि वो अपना बहुत ख्याल रखें। उनको 2 किस्म की प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंटली आ रही होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उनके इंटरनल मैलवेयर्स भी होते हैं। इंटरनल मैलवेयर्स समझते हैं, जो ये प्रोग्राम्स होते हैं ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, उनको कुछ सुंडियाँ ज़रूर पड़ जाती हैं, कोई वायरसेस ज़रूर पड़ जाती हैं, कोई हैकर्स ज़रूर आ जाते हैं, कोई परी पैकर्स ज़रूर आ जाते हैं, वो उनको ख़राब करने के लिए आते हैं। अगर वो उनको हैंडल करने के लिए उनके पास मैकेफी एंटी वायरस प्रोग्राम, मतलब ये एक मैंने नाम लिया, कोई और भी एंटी वायरस, अगर उन्होंने इंस्टॉल नहीं कर रखा, वो किसी एनए मीटिंग में नहीं जाते, वो किसी स्ट्रक्चर के साथ नहीं जुड़े हुए, वो मी टाइम नहीं देते रोज़ाना, वो अपनी बॉडी को कुछ टाइम नहीं देते, फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस, अब ये मैं आई हैव रिपीटेड दिस सो मेनी टाइम्स, तो कोई कहेगा कि डॉक्टर साहब आप फिर वही बातें करते हैं, मगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपनी ज़हनी हालत को दुरुस्त रखने के लिए और एडिक्शंस और नशों से बचने के लिए ये जो मैं प्रोग्राम बताने लगा हूँ, जो कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये ज़रूरी है। और उसमें पहली चीज़ नींद है, और नींद में अंधेरे में सोना चाहिए। जिनको अंधेरे से डर लगता है वो बेचारे लाइट जला के सोएंगे, और जब लाइट जला के सोएंगे और वो अब येलो टंगस्टन बल्ब फिलामेंट वाला भी नहीं मुयस्सर, अब तो ये लाइट्स हैं एलईडीज, और ये एलईडी आपके पाइनियल ग्लैंड जहाँ से आपकी मेलाटोनिन निकलती है उनके लिए हानिकारक है, डैमेजिंग है, और आपके जो एसी लगे हुए हैं उनके ऊपर जो टेम्परेचर लिखा होता है वो एलईडी से चमक रहा होता है। तो जो एलईडी लाइट्स हैं उनसे आप अपना रिश्ता सोते वक्त का ताल्लुक कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर जो थर्ड आई है, 2 आँखें सबकी नज़र आ रही हैं,
और जो तीसरी आंख है वो कौन सी है? हमारे ब्रेन के अंदर एक थर्ड आई कहलाती है, दैट इज कॉल्ड पाइनियल ग्लैंड, जिसमें से जो सबसे अहम रतूबत खारिज होती है दैट इज मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन जो है उसके बहुत से फवायद हैं, वो हमें ESP में भी मदद करती है। ESP इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। हम ज़्यादातर चीज़ों को जो महसूस करते हैं वो अपनी हवा से, खमसा से महसूस करते हैं, पांचों हिस्सों से। मगर कोई चीज़ को अगर हम पांचों हिस्सों को इस्तेमाल किए बगैर महसूस कर लें तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी, यानी सेंसेस कितनी है? 5। और अगर उनके अलावा हम कोई चीज़ महसूस कर लें तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाइनियल ग्लैंड सही काम कर रहा हो, पाइनियल ग्लैंड से रतूबतें सही मकदार में खारिज हो रही हों, विच इज़ दी मेलाटोनिन। तो जिनको नींद नहीं आती, जिनकी नींद डिस्टर्ब है, वो कभी कभी डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो आप में हार्मोन की कमी है, हो सकता है वो हो मेलाटोनिन। तो वो उनको 3 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा मेलाटोनिन दे देते हैं। पर ये मेलाटोनिन आप अंधेरा जब कर लेते हैं और बरवक्त सोते हैं, यानी 10 बजे, तो ये आपको अंदर से ही मिलती है, चश्मा उबलने लगता है, चश्मा, फाउंटेन, फाउंटेन ऑफ मेलाटोनिन। हम अपनी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शंस हैं उनके साथ जितनी ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे उतने वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आइडियल ये है कि हम अपनी रूटीन्स से, देखिए हम सब जब क्रिएट किए गए थे, बनाए गए थे, तो हमारे अंदर सबके एक घड़ी लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं डायर्नल क्लॉक। हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डायर्नल रिदम में है, यानी डाय मीन्स 2, यानी जब डे ब्रेक होती है, डे ब्रेक का मतलब सूरज तुलू होने का टाइम, सुबह के जो भी टाइम बदलता रहता है, मुख्तलिफ जो आल्टीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं उन पे मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं। तो जो सुबह का टाइम जब तुलू होता है तो कुछ शुआएं निकलती हैं सूरज से, उनमें जो ऑरेंज शुआएं हैं वो हमें जगाने के लिए होती हैं, डायर्नल रिदम। इसको सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, सर्केडियन रिदम। ये हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और इसका गहरा ताल्लुक हमारे पाइनियल ग्लैंड से है, थर्ड आई से है। आइडियली इंसानों को जिस खित्ते अर्ज़ पे वो पैदा होते हैं तो जब सूरज ढलता है तो उनको सो जाना चाहिए, मगर इंसानों ने उसको स्ट्रेच करते करते टाइम कहाँ से कहाँ ले गए। अनइंटरप्टेड 5 से 6 घंटे सोना चाहिए, कोई उसमें तातुल के बगैर, टूटे बगैर 5-6 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। नींद जो है इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, लाइट स्लीप, डीप स्लीप जिसमें कोई ख्वाब नहीं नज़र आते, और रैपिड आई मूवमेंट जिसमें ख्वाब नज़र आते हैं। ये सब हमारी ज़रूरत है, मगर जब हम नींद जो है इकट्ठे 4-5-6 घंटे नहीं सोते तो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर कम होते होते ये एक सतह तक जाना चाहिए, लो सतह तक। अगर ये टूट टूट के जाएगा तो हमारी बॉडी, अगरचे हमने लंबी नींद ली है, मसलन किसी ने 8 या 9 घंटे नींद ली है, मगर उसका कोर बॉडी टेम्परेचर नीचे नहीं गया। अगर आप महसूस करें कि जब हम सोते हैं, लेटते हैं, और अगर हमने लिहाफ तब ना भी लिया हो तो
रात के आगे बढ़ने के बाद हमें ठंड महसूस होती है और हम ऊपर लिहाफ लेना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि कोर बॉडी टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर, पेरिफेरीज का नहीं, ये हमें जब लो होता है तो हमारी बॉडी अज खुद पूरी तरह से तब क्लीन होती है, क्लेंज होती है। और सोने का मकसद ये है कि जितने भी इजाफी ऐसे हैं चीज़ें जो कि हमें नहीं चाहिए, बॉडी उनको साफ कर ले। जिगर भी यही काम करता है, गुर्दे भी यही काम करते हैं, दिमाग भी यही काम करता है। वो 5-6 घंटे आइडियल शुरू होते हैं डायर्नल रिदम की वजह से, इंटरनल क्लॉक की वजह से, जब सूरज डूबता है। उसके बाद वो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता नींद के तरफ रागिब होने लग जाती है। उसके अंदर जो उसको जगाए रखने वाली हैं चीज़ें, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये सब नीचे जानी शुरू हो जाती हैं। मगर इंसान कहीं तो कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं, हमारे दिमाग में बढ़ने लग जाता है गाबा, जो नींद की तरफ लेके जाने वाले हैं। अगर हम प्रिसाइजली बर वक्त लेट जाएंगे तो बॉडी अपने आप को क्लीन करने का बेहतरीन काम शुरू कर देगी, जैसे अगर कोई 10 बजे लेट जाए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या, तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम, मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।